हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज था संडे का दिन और मैंने ब्लॉग बहुत देरी से शूट किया क्योंकि मैं इतनी बिजी थी ना सब कुछ करने में कि ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग शूट करना है। हम निकले थे इस संडे को ना खुद की शॉपिंग करने। सोचा था बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, तो हमने मिनी शो से खरीदी है कुछ चीज़ें। मैंने मिनी शो से की है बहुत सारी शॉपिंग, तो चलती हूँ और घर जाके फिर दिखाती हूँ। होता है ना कभी इंसान घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाता है और बहुत ज़्यादा तबीयत भी इधर सबकी ही ख़राब चल रही थी, बच्चों की बड़ों की। तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत ठीक हुए हैं, मतलब थोड़ा ही सा ठीक हुए हैं, तो चलो कुछ शॉपिंग वगैरह करके आते हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा आ चुका है कोलकाता में, बहुत जगह पर भी गर्मी नहीं आई है पर कोलकाता में बहुत गर्मी आ गई है। तो मुझे कुछ समर के लिए चाहिए था, पीहू के लिए ड्रेसेस वगैरह। तो हम चले गए मॉल, वहाँ से हमने ली बहुत सारी, खुद के लिए भी चीज़ें ली और पीहू के लिए बहुत सारी चीज़ें ली। तो ये संडे हमारा बस शॉपिंग में गया। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मिनी शो से मैंने क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें ली हैं, कुछ पीहू के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ घर के लिए। यही सारी चीज़ें तो हम शॉपिंग करते हैं। हमने शॉपिंग थोड़ी बहुत पीहू के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें खुद के लिए, और कुछ मिनी शो से भी लिया है मैंने पीहू के लिए। वो घर चल के दिखाती हूँ क्या क्या लिया हुआ है। और गले का तो मेरा बैंड बजा हुआ है बिल्कुल भी, पूरी तरीके से गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो चलिए बाकी चीज़ें घर जाके दिखाते हैं। तुम लियो, तुम हम बस ये एक बैग। चश्मा तो लग रहा है अच्छा। बस अब चलते हैं हम लोग बेटी के पास और घर जाके दिखाते हैं। मेनली मैंने मिनी शो से जो जो चीज़ें ली है, थोड़ा सा यूनिक यूनिक पीहू के लिए ना वो चीज़ें दिखाती हूँ मैं आपको। तो हम शॉपिंग करके बस घर की तरफ निकल गए थे क्योंकि हमें था कि चलो फटाफट पीहू के पास पहुंचते हैं, उसके लिए जो लिया है वो उसको दिखाते हैं। और घर के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें शॉपिंग वगैरह की हैं। तो हम शाम होते ही बस घर की तरफ निकल गए थे। और आज संडे का दिन ना हमारा आधा दिन ऐसा ही गया। वो तो मेरे मतलब याद से ही उतर गया था कि मुझे ब्लॉग शूट करना है, मैं आधा ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, ऐसे ही रह गया। मैंने बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद शूट की और मैंने अपनी लाइफ के सबसे महंगे गॉगल्स आज ख़रीदे हैं, मैंने और पीहू के पापा ने, दोनों ने ही। ये वाले भी मुझे गिफ्ट मिले हैं। तब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और आज मैंने शॉपिंग ब्लॉग्स जो है ना वो बहुत देरी से बनाना ही शुरू किया था, मतलब इतनी बिजी हो गई थी सब कुछ लेने में ना कि शॉपिंग ब्लॉग ही बनाना भूल गई मैं। लेकिन मैंने जो जो चीज़ें ली हैं वो आई थिंक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी अगर कोई लेना चाहते हो तो। लाइक मिनी शो की कोई चीज़ें अगर आप लेना चाहते हो तो, लाइक आप जैसे हमने जो गूगल्स वगैरह की शॉपिंग की, अगर वो लेना चाहो तो आपको मिल जाएगा। ये जो ब्रांड वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी अगर आप लेना चाहते हो तो, वरना कोई बात नहीं है। तो मैं ब्लॉग ही बनाना भूल गई थी, मतलब मुझे एकदम ध्यान ही नहीं था कि मुझे ब्लॉग बनाना है। मैं एकदम लास्ट में जाके बना रही थी। तो इन सारी चीज़ें मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली है। और मुझे आज गिफ्ट मिले हैं 2-2 गॉगल्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं क्योंकि हम लोग बहुत दिन के बाद ऐसा माइंडली थोड़ा फ्री थे कि चलो कुछ लेना है। अभी तक तो मतलब ऐसा था कि दोनों फ्री ही थे कि चलो कुछ कुछ लेते हैं, कुछ कुछ शॉपिंग करते हैं, वैसा वाला। तो हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की है, साथ में लंच किया है, अब घर जा रहे हैं। अब पीहू के लिए जो जो चीज़ें ली हैं उसको भी दिखानी है क्योंकि उसको भी कपड़े मेरी तरह बहुत पसंद है, मतलब उसको भी मेरा जो शौक़ है वो है थोड़ा कपड़ों का शौक़ है मुझे ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो एडिशनल हो जाती हैं लाइक गॉगल्स वगैरह ये सारी चीज़ें तो, लेकिन मुझे भी उसी चीज़ का शौक़ है। तो चलिए घर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और हो सकेगा उन सब चीज़ों की लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी क्योंकि मिनी शो जो है वो ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल है हर सिटी में। तो आप अगर कुछ लेना चाहते हो तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा ऑनलाइन। और बहुत यूज़फुल चीज़ें ली हैं मैंने, घर के लिए ली है, कुछ पीहू के लिए चीज़ें ली हैं। तो चलिए घर चलती हूँ और आपको फटाफट दिखाती हूँ सारी कुछ चीज़ें। तो मिनी शो से जो चीज़ें ली है ना वो ये चीज़ें हैं। इसमें है 2 फेस पैक, एक है लेवेंडर का और एक है हिबिस्कस का। ये फेस पैक
और रूम फ्रेशनर, इन सब की लिंक ना ऑनलाइन भी मिल जाएगी क्योंकि मिनी शो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है जैसा कि बताया मैंने। फिर ये भी लिया है मैंने रूम फ्रेशनर, जो काफ़ी अच्छी अच्छी रिजनेबल प्राइस में लाइक 200-300 में आपको मिल जाएगा मिनी शो में, कुछ भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे एक वाइट हेड्स नोज़ में जो हो जाते हैं ना उसको रिमूव करने के लिए, ये लिया है मैंने। इसको आपको लगाना है और इससे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स जो भी नोज़ पे होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें 10 पीसेज है और ये मुझे मिल गया है मात्र 17 रुपये में, 170 रुपये में 10 पीस, मतलब एक पीस का दाम 17 रुपये। और अगेन ये है रूम फ्रेशनर ही समझिए, पर ये दूसरे तरीके का है, जब मैं यूज़ करूँगी तो उसको बता दूँगी। और ये कुछ मुझे यूनिक ब्रश लगा था पीहू के लिए, इसमें डुअल ब्रश भी है और यहाँ से ओपन एंड क्लोज करने वाला भी है, तो ये मैंने पीहू के लिए लिया है और ये 450 का है, थोड़ा कॉस्टली है ये। और नेक्स्ट लिया है मैंने फेशियल रेज़र, मेरे पास जो था वो ख़राब हो चुका था और ये मुझे मिल गया है 150 रुपये में 4 पीस। फिर मैंने लिया है 4 नेल पेंट रिमूवर जो कि अलग अलग फ्रेग्रेंस का है, ये एक स्ट्रॉबेरी का है और ये विटामिन ई का है, तो इसमें छोटे छोटे से रहते हैं नेल पेंट रिमूव करने के लिए। और सबसे यूनिक चीज़ मैंने लिया ये पीहू के लिए, तो बहुत ही अच्छा और प्यारा सा बॉटल है, दिखाती हूँ मैं कैसे है। इस तरीके से स्ट्रॉ रहेगा और पीहू उसके अंदर से वो पी पाएगी, तो अभी फ़िलहाल जब मैं उसका स्कूल में एडमिशन वगैरह करवाऊँगी तो उस टाइम इसको ये दूँगी। इसके अंदर आपको एक बेल्ट भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, क्यूट सा चीज़ है बच्चों के लिए और इसकी प्राइस है 400 रुपीज़। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत यूनिक सा लगा कि कम से कम बच्चे इसका पाइप निकाल के फेंकेंगे नहीं, कहीं पे गिरेगा नहीं, अच्छा है ये जूस वगैरह देने के लिए बच्चों को, या पानी भी आप दे सकते हो, वाटर बॉटल की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही क्यूट सा है। ये है, ये मुझे सैनिटाइज़र फ्री में मिला है, ये कुछ ऐसा नहीं है। और ये वाइप्स दिया है मैंने, वेट वाइप्स, अगेन मैं इसी के अंदर रख रही हूँ, ये भी है वेट वाइप्स। तो इतनी सारी चीज़ें हैं मिनी शो से मैंने ली हैं, इन सब की लिंक आपको मिनी शो से जाके मिल जाएगी, डायरेक्ट आप जाके ले सकते हो वहाँ से। और पीहू के लिए जो कपड़ा दिया है वो दिखाते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन सब में यूनिक चीज़ें मैंने पीहू के लिए दो चीज़ें ली हैं, बोतल और ब्रश, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा अलग अलग लग रहा था इसलिए। और चलिए इसके कपड़े की तरफ देखते हैं, तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत ईजी अवेलेबल है ये। ये लिया है मैंने सेट, एक टॉप और ये एक हाफ पैंट का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी प्राइस है 899 रुपये। फिर ये एक लिया है पैंट वाइट कलर में, इसकी प्राइस है 899 रुपये अगेन, सब गर्मियों के लिए। और ये एक टॉप लिया है मैंने उसके लिए, क्यूट सा बटरफ्लाई डिज़ाइन में है और ये है 699 का। और एक लिया है मैंने उसके लिए नाइट सेट, जब वो रात में सोएगी गर्मियों के टाइम पे तो थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए बच्चों के लिए कपड़ा, तो ये है 600 का, उसके साथ ये लिया है क्यूट सा हाफ पैंट। तो ये 4 ड्रेसेस लिया है मैंने उसके लिए, दैट्स इट। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।